हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लाइफ डेक और गुड वाइब्स चैनल वंस अगेन आज मैं आपको uh, चिकन की एक वेरी डिफरेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ दिस रेसिपी एक्चुअली ये जो त्रिपुरा स्टेट है उनके जो लोकल um, जो आदिवासी लोग हैं उनका ये है रेसिपी um, लेकिन बहुत ही हेल्दी है बिकॉज दिस इज बॉयल्ड एंड सिर्फ बॉयल और वेरी लेस स्पाइस से ये मिक्स किया हुआ है तो प्लीज़ चेक द वीडियो एंड सब्सक्राइब लाइफ डेक और गुड वाइव चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर बेंगोलीज एंड अदर रेसिपीज आई बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट सो सो मेनी कल्चर वी आर फॉलोइंग सो फूड ऑल्सो वेरी डिफरेंट डिफरेंट फूड यू गेट टू नो हाँ, और मेरे वीडियो डेकोर में होम वीडियो डेकोर में और कुकिंग में ही मेरा मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स आएगा और ट्रेवल ब्लॉग भी मैं अपडेटेड करूँगी वेरी शॉर्टली सो सबसे पहले आपको चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके बोनलेस जो है पीसेज है अलग कर लेना है करके कुकर में पानी के साथ ये जो चिकन पीसेस है और गार्लिक और थोड़ा क्लोब्स देके सॉल्ट के साथ उसको बॉईल करना है दो तीन सीटी तो आपको लगाना पड़ेगा ताकि चिकन अच्छी तरह से बॉईल हो जाए फिर आप कुकर को ओपन करके रख दीजिए साइड में उसको ठंडा होने के लिए पानी निकाल के आप थोड़ा उसको निचोड़ के रख दीजिए एक बास्केट में और यहाँ पे आपको ऑनियन चॉप करके रखना है लेमन चॉप करके रखना है कोरिएंडर लीव्स चॉप करके रखना है और एक प्लेट में आपको ऑनियन चॉप और फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट करके रखना है यहाँ पे मैंने जो सूखे मिर्ची जो होती है वो सिर्फ कढ़ाई में आपको ऐसे ही खाली कढ़ाई में उसको हीट करना है आपको ये इसका मतलब इसको मतलब थोड़ा ब्लैकिश कलर आ जाए तब आपको रेडी करना है ये देखिए ग्रीन चिल में ये जो सूखा मिर्ची फिर न, अनियन गार्निशिंग के लिए और कोरिएंडर लिमन ये गार्निशिंग के लिए सब रेडी है अभी मैं ये सारा जो सब कुछ है उसको मैं एक एक साथ रख के मैं सेपरेटली चिकन को एक प्लेट में ले लूँगी वहाँ पे मैं जो गार्लिक जिंजर पेस्ट है फिर वो छोटा सा ग्रीन चिली चॉप्स है और फिर ये जो सूखा मिर्ची जो जला हुआ सूखा मिर्ची है उसको अच्छी तरह से क्रेश करके वो मिक्स करके उसके साथ चिकन को मिक्स करूँगी और साथ में मुझे सॉल्ट यूज करना है फिर मैं उसको हाथ से ही अच्छी तरह से जैसे हम लोग आटा गूंदते हैं वैसे ही मिक्स करना है और सबसे बड़ी बात है ये बनाने के लिए आपके घर में मास्टर ऑयल होना बहुत ज़रूरी है और ये जो सूखा चिलीज़ है उसको आप इसी तरह से क्रश करें कि चिली फ्लेक्स की तरह ये हो जाए और पूरा आप मिक्स करते रहे उसके साथ आप बाकी सब भी मिक्स करेंगे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस का जो क्लिप्स मैंने शेयर किया है जो मेरे चैनल में है अभी अच्छे वाले जो है मैंने आपको थोड़ा यहाँ पे देखिए कढ़ाई प्रॉन का रेसिपी है फिर चिली चिकन घर में कैसे बनाते हैं क्योंकि अभी हम लोग बाहर खाना नहीं खा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से और अच्छा भी नहीं है हेल्थ के लिए तो ये सब आप बच्चों को भी बना कर खिला सकते हैं घर में बड़े जो जेंट्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा फिर मैंने ये जो सबसे स्पेशल आइटम रसगुल्ला जो बंगाली लोगों का वो मैंने पूरा डिटेल में ये वीडियो अपलोडेड है आप चेक कर लीजिए आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस को यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा वेलकोनी मेक ओवर और ये पॉट जो है उसका कबर जीन्स पेंट के उस सबसे मैंने बनाया ये एक फ़िश करी है ये भी आप फॉलो कर सकते हैं फिर एग पॉस तीन मिनट में कैसे बनाना है चीज़ी एग पॉस वो है फिर प्रॉन करी है वो सब कुछ डाल दिया है अभी मैं देखिए मैं वापस आ रही हूँ मेरा जो आज का रेसिपी है अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और देखिए यहाँ पे मैंने गार्निश कर लिया अब अब जो लास्टली आपको करना है ऊपर से आपको थोड़ा मतलब इसको सॉफ्ट करने के बाद आपको थोड़ा मास्टर ऑयल देना है और उसको मिक्स करके आप एक सेपरेट प्लेट में उसको इस तरह से नींबू नि भी आपको निचोड़ना भी है और गार्निशिंग के लिए भी देना है नींबू निचोड़िए कोरिएंडर लिप्स मिक्स कीजिए चिल्ली सूखा वाला और ग्रीन चिल्ली दोनों सूखा जला हुआ वो भी ग्रीन चिली भी दोनों सब मिक्स कर लीजिए इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि वो चीज़ जो है वो सॉफ्ट होने लगे बॉयल किया होता है चिकन तो बॉयल है लेकिन ऑनियन वगैरह तो थोड़ा बॉयल नहीं है तो आपको वैसे ही मिक्स करना है जितना छोटा जो चॉपिंग करेंगे आप उसके लिए अच्छा है और नींबू निचोड़ ले एक नींबू आता है जो पाती नींबू बोलते हैं हम गंदोराज नींबू जो स्मेल आता है अच्छा वो वैसा होना चाहिए अभी देखिए मैं अभी देखिए रेडी हो गया है आप गरम राइस के साथ ब्रेड के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं